कलम बोली नगर के सभी सम्माननीय विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं, मंच पर आसीन माननीय श्री वर्तक जी, श्री संजय भाई, सुभाष जी और श्री साळुंखे जी, मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का कि आप यहाँ उपस्थित हैं, मुझे आपसे बात करने का समय मिलता है। इस बात के लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि मैं अच्छे से मराठी भाषा नहीं बोल पाता, मेरी मराठी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हिंदी में बात करता हूँ। सरल आसान हिंदी बोलूँगा, आपको समझ में आएगी, कहीं कहीं बीच में मराठी शब्द भी प्रयोग करूँगा ताकि आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आए। भारत देश में एक बहुत गंभीर आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई है, उस समस्या के समाधान के लिए पूरे भारत देश में एक अभियान चल रहा है, मैं उसी अभियान में काम करता हूँ। इस अभियान का नाम है आजादी बचाओ आंदोलन। ये आजादी बचाओ आंदोलन का अभियान महात्मा गांधी के गांव से शुरू हुआ है। महात्मा गांधी का गांव है वर्धा जिले में, महाराष्ट्र राज्य में, और उस गांव का नाम है सेवाग्राम। आप सभी अगर परिचित हैं इस गांव से तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दो मिनट में उसके बारे में जानकारी दे दूं। सेवाग्राम वो गांव है जो महात्मा गांधी की कर्म स्थली है। महात्मा गांधी का जन्म गांव आप जानते हैं वो गुजरात में है, पोरबंदर। गांधी जी का कर्म गांव जो है वो महाराष्ट्र में है, सेवाग्राम। छोटा सा गांव है, 1936 के साल में गांधी जी ने इस गांव में आकर एक आश्रम बनाया, उस आश्रम का नाम भी सेवाग्राम आश्रम है। वहीं से ये अभियान शुरू हुआ जिसका नाम है आजादी बचाओ आंदोलन। मैं इसी में काम करता हूं। इस अभियान में आने के पहले मैं वैज्ञानिक के रूप में, शास्त्रज्ञ के रूप में काम करता था भारत की एक बड़ी संस्था में जिसका नाम है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये संस्था की एक सहयोगी संस्था है जिसका नाम है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO के बहुत सालों तक डायरेक्टर रहे डॉक्टर अब्दुल कलाम, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले वो DRDO के डायरेक्टर थे, और जिस समय वो DRDO में डायरेक्टर थे उस समय एक जॉइंट प्रोजेक्ट में मैंने काम किया था। CSIR और DRDO का प्रोजेक्ट था अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने के लिए एक बूस्टर नाम की मशीन बनाई जाती है, उस मशीन को बनाने के प्रोजेक्ट में मैं लगा हुआ था। 2-2.5 साल मैंने काम किया, उसके बाद वो छोड़ दिया और उसके बाद ये आजादी बचाओ अभियान में शामिल हो गया। ये आजादी बचाओ आंदोलन की जरूरत क्या, आपके मन में प्रश्न आएगा कि अब हमारे देश की आजादी को क्या खतरा है जो आजादी बचाओ आंदोलन करना पड़ता है। कंपनी व्यापार के लिए आई थी। आप सभी विद्यार्थियों ने भारत का इतिहास पढ़ा है, उस परदेशी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया। उसने भारत में व्यापार के लिए प्रवेश किया था और जिस समय ये कंपनी भारत आई थी उस समय भारत का जो राजा था उस राजा का नाम था जहांगीर। जहांगीर ने भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुजरात राज्य के सूरत नगर में एक दुकान शुरू की थी। उस एक दुकान से उनकी दूसरी दुकान बनी, फिर तीसरी बनी, फिर धीरे धीरे 100 साल हुए, उन्होंने इतना व्यापार किया, इतना मुनाफा कमाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने तय किया कि अब भारत देश में ही रहना। वो आए थे व्यापारी बनकर चाय और कॉफी बेचने के लिए, फिर इस देश के राजा बन गए, इस देश के मालिक बन गए। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित हो गया हमारे देश पर, तब उन्होंने इस देश का लूट करना शुरू किया और लूटने के लिए उन्होंने बड़े बड़े कानून बनाए, नीतियां बनाई, नियम बनाए और वो लूट का सारा पैसा और धन यहां से इंग्लैंड ले गए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब लूट हिंदुस्तान में की तो भारत का क्या हाल हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले भारत दुनिया का सबसे ज्यादा संपन्न देश था, समृद्धशाली देश था। एक अंग्रेजी इतिहासकार हुआ, उसका नाम है अर्नोल्ड टॉइनबी। अर्नोल्ड टॉइनबी ने भारत देश पर सबसे ज्यादा रिसर्च किया है, शोध किया है।
उसने भारत देश पर कुछ पुस्तकें लिखी हैं, उनमें से एक पुस्तक है जो सारी दुनिया में चर्चित है, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। भारत का इतिहास उसने लिखा है, पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, माने ब्रिटेन का जो भारत है गुलामी का, उसका इतिहास उसने लिखा है। और उसमें उसने पुस्तक के सबसे पहले पन्ने पर शुरू करते हुए ये लिखा है कि अंग्रेजों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने से पहले भारत दुनिया का सबसे ज्यादा श्रीमंत देश है। और वो कहता है कि दुनिया के देशों की जो अमीरी है, अमीरी उसमें भारत सबसे ऊंचे स्थान पर है। दुनिया में मात्र 200 देश हैं, उनमें आज से 400 साल पहले भारत सबसे ऊंचे स्थान पर है। पर कैपिटा इनकम माने प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा प्रोडक्शन माने प्रति व्यक्ति उत्पादन, पर कैपिटा कंजम्पशन माने प्रति व्यक्ति उपभोग, और पर कैपिटा डोमेस्टिक सेविंग्स माने घरेलू बचत, ये सब आर्थिक आधारों पर भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश था। टॉइन भी लिखता है कि दुनिया भर के देशों का सोना चांदी हीरे जवाहरात जैसा बेशकीमती सामान भारत में आता था और भारत से कुछ भी बाहर नहीं जाता। दुनिया भर के देशों से सोना चांदी भारत में क्यों आता था? क्योंकि भारत का सामान दुनिया के देशों में बिकता था। भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला देश उस समय था। अंग्रेजी इतिहासकार टॉइनबी के जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि दुनिया के बाजार में जितनी वस्तुएं बिकती थी उनमें 33% वस्तुएं सिर्फ भारत की होती थी, 27% वस्तुएं चीन की होती थी, और अमेरिका और इंग्लैंड का कोई स्थान उस समय नहीं था दुनिया में। अमेरिका का तो खोज भी नहीं हुआ था तब तक। 400 साल पहले दुनिया में कोई जानता नहीं था कि अमेरिका नाम का कौन सा देश है। तो ऐसा देश भारत दुनिया में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला, सबसे ज्यादा आमदनी करने वाला देश भारत, इसमें अंग्रेज जब आए और ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ऐसा लूटा उन्होंने कि दुनिया का सबसे श्रीमंत देश आज दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल हो गया। एक जमाने में भारत सबसे ज्यादा संपत्ति वाला देश था, आज भारत दुनिया के 200 देशों में गरीबी के हिसाब से 174वें नंबर पर है। इतनी गरीबी इस देश में आई। पहले ये देश सोने की चिड़िया था, अब ये मिट्टी की चिड़िया भी नहीं रह गया। हमारे देश की गरीबी के बारे में आपको छोटी सी जानकारी दूं, 112 कोटी की हमारी लोकसंख्या है, जिसमें 84 कोटी नागरिक भयंकर गरीब हैं। हमारी सरकार कहती है कि 84 कोटी भारतवासियों को एक दिवस में 20 रुपए की आमदनी नहीं होती, इतनी गरीबी इस देश में। उन 84 कोटी भारतवासियों में 50 कोटी भारतवासियों में इतनी गरीबी है कि उनको एक दिवस में 5 रुपए की आमदनी नहीं होती, और 25 कोटी भारतवासियों की गरीबी ऐसी है जिनको एक दिवस में 2 रुपए की आमदनी नहीं होती। और ये गरीबी इस देश की जो इतनी तकलीफ की स्थिति में है, इसी का आज दुष्परिणाम है कि हजारों हजारों शेतकरी हर साल आत्महत्या करते हैं इस देश में। महाराष्ट्र भारत का वो राज्य है जहां सबसे जास्ती शेतकरी आत्महत्या करते हैं। एक वर्ष में महाराष्ट्र में 5600 शेतकरी आत्महत्या करते हैं। महाराष्ट्र का पड़ोसी राज्य है कर्नाटक, जहां 4500 शेतकरी दर वर्ष आत्महत्या करते हैं। और भारत में 35 राज्य हैं जिनमें एक साल में 56000 शेतकरी आत्महत्या कर लेते हैं। गरीबी इतनी बढ़ रही है, बेकारी भी इस देश में है। आजादी जब आई थी 15 अगस्त 1947 को, तो 4 कोटी भारतवासी बेरोजगार थे। अब आजादी के 60 साल के बाद 12 से 13 कोटी भारतवासी संपूर्ण बेरोजगार हैं, और 8 कोटी भारतवासी साल में 8 महीने बेरोजगार रहते हैं, माने उनको साल में 4 महीने काम मिलता है, 8 महीने उनको कोई रोजगारी उपलब्ध नहीं हो पाती। अगर सरल भाषा में ये कहा जाए तो 20 कोटी भारतवासियों को काम की जरूरत है, दरकार है, लेकिन उनके पास रोजगारी नहीं है। गरीबी है, बेकारी है, भूखमरी है। इसी महाराष्ट्र राज्य में विदर्भ क्षेत्र में अमरावती नाम का एक जिला है, उसके आसपास का एरिया मेलघाट कहलाता है। इस मेलघाट क्षेत्र में दर वर्षी 50%
जन्म लेते ही मर जाते हैं, और इसलिए मर जाते हैं कि उनकी आई दूध पिलाने की स्थिति में नहीं होती, क्योंकि आई को दूध नहीं बनता, क्योंकि आई को खाने को नहीं मिलता। ऐसा महाराष्ट्र राज्य का मेलघाट एरिया है। भारत सरकार के मंत्री हैं जिनका नाम है स्वास्थ्य कल्याण और परिवार राज्य मंत्री, उनका ये कहना है कि भारत में जितने बच्चे हर साल पैदा होते हैं उनमें से 25-30% बच्चे वजन में बहुत कम होने के कारण पैदा होने के तीसरे महीने तक मर जाते हैं। और हमारे ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि इन बच्चों को पैदा करने वाली जो आई है 35-40% आई बच्चों को जन्म देने के पहले या जन्म देते ही मर जाते हैं, क्योंकि आई के शरीर में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो प्रसव पीड़ा को बर्दाश्त कर सके, क्योंकि खाने को नहीं मिलता है भरपूर। इस भारत देश में आजादी के 60 साल हो गए हैं, 50% लोगों को अभी भी शिक्षा नहीं मिल पाई है, साक्षरता नहीं हो पाई है, 50% लोग अभी भी बिना शिक्षा के हैं, और करोड़ों विद्यार्थी हैं जिनके पास फीस नहीं होने के कारण वो स्कूल नहीं जा सकते हैं, विद्यालय में एडमिशन नहीं ले पाते। भारत में 7,32,000 गांव हैं, इनमें से 4,00,000 गांव में बीज नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं। मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में है, मेरे गांव में आजादी के 60 साल के बाद भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। मेरा जन्म जिस गांव में हुआ है वहां बिजली नहीं है, करंट नहीं है। पूरा जीवन मैंने विद्यार्थी जीवन केरोसिन लैंप में पढ़ाई करके बिताया, केरोसिन लैंप में पढ़ाई करके मैं इंजीनियरिंग में IIT कानपुर में गया और वहां से एमटेक करके निकला। मेरे जैसे भारत में 4,00,000 गांव है जहां बिजली नहीं है, करंट नहीं है, और जिन गांव में करंट है वहां दिवस में 14 तास करंट नहीं है, सिर्फ 10 तास। महाराष्ट्र इसका सारे देश में जीता जागता उदाहरण है, 10 घंटे से ज्यादा करंट नहीं आता गांव में। ऐसा हाल हमारे देश में बना हुआ है। 3.5 लाख से ज्यादा गांव हैं जहां चलने को अभी तक सड़क नहीं बन पाई। उन गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो सिर्फ मरने का ही इंतजार कर सकता है, क्योंकि सड़क नहीं होने के कारण गांव के मरीज को शहर लाना बहुत संभव होता है। ऐसा भारत है। आजादी के 60 साल बीत गए हैं। इस 60 साल में हिंदुस्तान की सरकार ने 11 पंचवार्षिक योजनाएं बनाई हैं। एक पंचवार्षिक योजना में 10,00,000 करोड़ का खर्च होता है, 11 पंचवार्षिक योजनाओं में 110,00,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, फिर भी गरीबी मिटती नहीं है, बेकारी मिटती नहीं है, भुखमरी मिटती नहीं। मैंने एक बार गणित का हिसाब निकाला था कि 110,00,000 करोड़ रुपए जो सरकार ने अभी तक खर्च किया है पंचवार्षिक योजना में, एक क्षण के लिए आप कल्पना करिए कि भारत में सरकार नहीं होती, थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, पुढ़ारी नहीं होते, सरकार नहीं होती, राजकीय पक्ष नहीं होते, और 110,00,000 करोड़ रुपए देश के विकास पर खर्च किया जाता तो हिंदुस्तान का एक एक गरीब आदमी लखपति हो जाता। लेकिन चूंकि हमारे देश में हरामखोर राजकीय पुढ़ारी हैं, और इन राजकीय पुढ़ारियों की हरामखोरी के बारे में आप सब जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तो अब तक 110,00,000 करोड़ रुपए जो खर्च हुआ है पंचवार्षिक योजनाओं में उसका 85% इन हरामखोर पुढ़ारियों के घरों में गया है, या उनके बैंक के खातों में गया है, या उन्होंने अपने ऊपर खर्च किया। मैं पिछले 15 सालों से एक काम में लगा हुआ हूं कि भारत के जो भ्रष्टाचारी राजकीय पुढ़ारी हैं, इन्होंने कितनी संपत्ति बनाई है पिछले 60 साल में। तो अब तक 419 पुढ़ारियों का मेरे पास डिटेल आया है, बायोडेटा, बहुत डिटेल मैंने इकट्ठा किया। उनमें से महाराष्ट्र के भी कुछ पुढ़ारी हैं, आंध्र के हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, 419 पुढ़ारी हैं। ये पुढ़ारी आज से 15 साल पहले सड़क पर खड़े होकर भाजी बेचते थे। ध्यान से सुनना इसको,
15 साल पहले सड़क पर खड़े होकर या तो भाजी बेचते थे या सिनेमा का टिकट ब्लैक करते थे या चाय की दुकान चलाते थे या पान का ठेला लगाते थे। ये 419 पुढ़ारी 15 वर्ष पहले इनकी जेब में 2 रुपया नहीं होता था जिससे ये चाय खरीद के पी सकें, और आज इन 419 पुढ़ारियों के पास पूरे देश में 45 लाख कोटी रुपए की संपत्ति है। आप इन पुढ़ारियों से पूछो 45 लाख कोटी कहां से आया, तो कहते हैं भगवान ने दिया। ये भगवान बड़ा बेईमान है, उनको ही देता है, मुझे नहीं देता, आपको नहीं देता, गरीबों को नहीं देता, भूखमरे को नहीं देता, मुफलिसी वालों को नहीं देता, इन पुढ़ारियों को ही देता है। और इन 419 पुढ़ारियों में कई पुढ़ारी ऐसे हैं जो रात को बिस्तर पर सोते हैं तो हजार हजार के नोटों की गड्डी लगा के उसके ऊपर चादर बिछा के सोते हैं, नींद नहीं आती उनको, नोटों की गड्डी के नीचे ही नींद आती है। इन पुढ़ारियों ने इस देश का सत्यानाश कर दिया। मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि 1947 के पहले इस देश में गोरे अंग्रेज लूट रहे थे, अब 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश में काले अंग्रेज इस देश को लूट रहे हैं। गोरे अंग्रेज इंग्लैंड से आए थे भारत को लूटने के लिए, ये काले अंग्रेज आपके और मेरे बीच में से ही पैदा हुए हैं और देश को लूट रहे हैं। और ये जो आज के काले अंग्रेज माने पुढ़ारी भ्रष्टाचारी ये देश को लूटते हैं तो सारा धन और संपत्ति विदेशी बैंकों में जमा करते हैं। स्विट्जरलैंड नाम का एक छोटा सा देश है, वहां की 37 बैंकों में भारत के 419 भ्रष्टाचारी पुढ़ारियों का 1,000 अबज डॉलर जमा है, 1,000 बिलियन डॉलर। एक डॉलर में 40 रुपए होते हैं तो 1,000 अबज डॉलर का मतलब होता है 40 लाख कोटी रुपए। ये इन्होंने भारत में से लूट लूट कर विदेशी बैंकों में रखा है। मेरे मन में एक योजना चल रही है आजकल, जो सारा देश मदद करे तो इस योजना को मैं करना चाहता हूं इस देश में, कि जिन पुढ़ारियों ने भारत का धन लूटकर विदेशी बैंकों में रखा है इस धन को भारत में वापस लाया जाए और इसको भारत की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कराया जाए। अगर ये 1,000 अबज डॉलर का धन भारत में वापस आ गया और इसको राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करा दिया तो 40 लाख कोटी रुपए देश को मिलेंगे, और ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे सोना खरीद लिया जाए तो भारत के एक एक गांव की सड़क पर सोने की चादर बिछाई जा सकती, सोने की फर्क बिछाई। मैं आपसे कहने ये आया कि भारत गरीब नहीं है, भारत के हरामखोर पुढ़ारी गरीब हैं जिन्होंने लूट लूट कर इस देश को गरीब बना दिया। जो लूटखोर होता है उसको मैं गरीब कहता हूं, क्योंकि अगर वो मानसिक रूप से गरीब नहीं होता तो लूटखोरी क्यों करता। तो ये मानसिक रूप से गरीब पुढ़ारियों ने इस देश को गरीब बना दिया है। देश गरीब नहीं है, यहां के पुढ़ारियों ने गरीब बना दिया। और अब मैं आपसे जो कहने आया वो ये कि ये पुढ़ारियों ने देश को गरीब बनाने के लिए और इस देश की लूट बढ़ाने के लिए वही काम फिर से शुरू कर दिया है जो 400 साल पहले मुगल बादशाह जहांगीर ने किया था। आप जानते हैं जहांगीर ने क्या किया था, थोड़ी देर पहले बताया, एक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बुलाया था और जहांगीर ने उस कंपनी के साथ समझौता किया था कि आप भारत में आइए, लूट करिए, पैसा कमाइए, थोड़ा सा मुझे भी दे दीजिए, बाकी लंदन लेके जाइए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई और एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर 400 साल लूटा। अब आजादी के 60 साल के बाद 2008 में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज के पुढ़ारियों ने हजारों परदेशी कंपनियों को बुला लिया है, उनको लूटने का लाइसेंस दे दिया है और उनका एक ही नारा है कि लूटो, थोड़ा बहुत हमको भी दे दो। तो अब भारत में क्या हो गया है, 4,500 परदेशी कंपनियां आ गई हैं, वो इस देश को लूट रही हैं। इन कंपनियों के कुछ नाम हैं, जैसे पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, सीबा गायबी, मैकडॉनल्ड, केंटकी फ्राइड चिकन, ऐसी 4,500 परदेशी कंपनियां।
हमारे पुढ़ारियों ने इनको लाइसेंस दे दिए हैं, ये कंपनियों ने भारत में अपने कारखाने लगाए हैं, फैक्ट्रियां बनाई हैं, उनमें कुछ वस्तुएं ये बनाते हैं, उन वस्तुओं का टीवी पे जाहिरात कराते हैं, वो जाहिरात आप और मैं हम रोज देखते हैं, थोड़े दिन में वो जाहिरात हमको इतने पसंद आते हैं कि हम वही वस्तु खरीदते हैं जो हमने जाहिरात में देखी। और जैसे ही हम परदेशी वस्तु खरीदना शुरू करते हैं जाहिरात देखकर, तो इस देश का दर वर्षी 2 लाख कोटी रुपए का नुकसान हम कराते हैं। कैसे होता है ये सारा खेल, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता। आप कभी भी टीवी चैनल स्विच ऑन करिए और आपको बातमी देखनी है, बातमी तो कोई चैनल शुरू करिए, आज तक शुरू करिए, एनडीटीवी शुरू करिए, स्टार न्यूज शुरू करिए, कोई भी चैनल शुरू करिए, तो आप देखेंगे कि उस चैनल में 2 मिनट बातमी आती है और 3 मिनट जाहिरात आता है। पहले बातमी फिर जाहिरात, पहले बातमी फिर जाहिरात, फिर बातमी फिर जाहिरात, फिर बातमी फिर जाहिरात, अंत में क्या होता है, बातमी भूल जाती है, जाहिरात याद हो जाती है। मैं किसी को भी पूछता हूं, आपने कल क्या बातमी देखी, कहते माहिती नहीं। फिर मैं उसको पूछता हूं, आपने कल जाहिरात क्या देखा, वो पट से बोलता है, ठंडा मतलब, देखिए आप भी बोल रहे हैं, बातमी याद नहीं है, जाहिरात याद। अब ये जाहिरात क्यों याद हो जाता है और बातमी याद क्यों नहीं हो पाती है, कारण ये है कि बातमी हर घंटे 2 घंटे में बदल जाती है, नई बातमी आ जाती है, लेकिन जाहिरात बदल नहीं होता। वो 1 दिवस 10 दिवस 1 महीना 1 बरस 2 बरस 10 बरस एक ही चलता है, ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला। तो चूंकि जाहिरात बदलता नहीं, याद हो जाता है, याद हो जाए तो फिर बाजार में जाकर हम वही वस्तु खरीदते हैं जो जाहिरात में देखा, माने हम कोका कोला पीते हैं, फिर पेप्सी कोला पीते हैं। किसी को भी पूछो, भाई क्यों पी रहे हो कोका कोला, तो कहते हैं आमिर खान कह रहा है इसलिए पी रहे, सलमान खान कह रहा है इसलिए पी रहे, शाहरुख खान कह रहा है इसलिए पी रहे। अब आमिर खान क्यों कहता है ये ठंडा मतलब कोका कोला, एक बार मैंने ये जानने के लिए आमिर खान को ईमेल किया, कंप्यूटर के माध्यम से उसको एक पत्र लिखा और आमिर खान को मैंने एक प्रश्न किया, डू यू ड्रिंक कोका कोला, क्या तुम कोका कोला पीते हो, तो आमिर खान ने मुझे उत्तर दिया, आई डू नॉट ड्रिंक कोका कोला, मैं पीता नहीं हूं कोका कोला, आई ओनली एडवर्टाइज कोका कोला, मैं सिर्फ उसका जाहिरात करता हूं। मैं उसको पूछा, तुम जाहिरात क्यों करते हो, तो उसने कहा 7 कोटी रुपए मिलता है ठंडा मतलब कोका कोला बोलने का, 7 कोटी। आमिर खान ने मुझे बताया, तब माहिती हुआ, मैं तो फिल्म देखता नहीं, उसने कहा कि मैं 1 वर्ष में 1 फिल्म बनाता हूं और उसमें 3 कोटी रुपए मिलता है, 1 वर्ष में 3 कोटी की आमदनी है, और ठंडा मतलब कोका कोला 5 मिनट बोलता हूं तो 7 कोटी की आमदनी होती है। तो उसने कहा आजकल मैंने फिल्म बनाना कम कर दिया है क्योंकि उसमें पैसा कम है, और ये ठंडा मतलब कोका कोला ये शुरू कर दिया है क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा है। फिर मैंने आमिर खान को एक बार पूछा कि तुम पीते क्यों नहीं हो कोका कोला, जाहिरात क्यों करते हो, तो उसने कहा जाहिरात तो पैसे के लिए करता हूं, पीता इसलिए नहीं हूं कि ये पीने लायक नहीं। मैं पूछा क्यों नहीं है पीने लायक, तो उसने कहा मेरा डॉक्टर मना करता है इसको नहीं पीना। मैं उसको पूछा क्या कहता है तुम्हारा डॉक्टर, तो कहता मेरा डॉक्टर कहता है दिस इज हाईली एसिडिक, मतलब क्या है, कोका कोला में जास्ती एसिड है, इसलिए आमिर खान का डॉक्टर उसको बोलता पीना नहीं, नहीं तो इससे एसिडिटी हो जाएगी, हाइपर एसिडिटी हो जाएगी, थोड़े दिन में अल्सर हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा और अंत में कैंसर हो जाएगा और मर जाएगा, इसलिए आमिर खान पीता नहीं, दूसरों को पिलाता। जब आमिर खान ने मुझे ये कहा कि मैं इसे पीता नहीं क्योंकि इसमें एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी होने की शक्यता है, तब मुझे मन में एक विचार आया कि पता करना चाहिए पेप्सी कोला में क्या एसिड है, एसिडिटी माने एसिड है तभी तो एसिडिटी है। तो मैंने मुंबई के बाजू में एक बहुत बड़ा नगर है उसका नाम है पुणे, पुणे में जिन वैज्ञानिकों ने जांच किया उन्होंने बताया कि पेप्सी और कोका कोला में जो एसिड है उसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, हार्पिक बनता है, हार्पिक आपने जाना है देखा है, हार्पिक क्या करता है, संडा साफ करता है,
तो संडा साफ करने वाला जो हार्पिक है वो फॉस्फोरिक एसिड से बनता है, उसी फॉस्फोरिक एसिड से कोका कोला भी बनता है। और जिन वैज्ञानिकों ने जांच किया उन्होंने कहा कि संडा साफ करने वाले हार्पिक में जितनी मात्रा में एसिड है, एसिड की मात्रा पता है कैसे जानते हैं, पीएच, पीएच नाम सुना है, पीएच वैल्यू, हाँ पीएच वैल्यू। उसने कहा कि पेप्सी कोला कोका कोला का पीएच वैल्यू है 2.4, 2.4, और मैंने एक दिन हार्पिक का पीएच वैल्यू निकाला वो भी 2.4 ही है। तब मुझे एक आइडिया ये आया कि हार्पिक से अगर संडा साफ हो सकता है तो पेप्सी से भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही क्वालिटी के हैं। तो एक दिवस मैंने मेरी आई को कहा कि आई हम हमारा संडा सभी पेप्सी से साफ करेंगे। तो मेरी आई थोड़ी परेशान हुई, उसने कहा क्या बकवास कर रहा है। मैंने कहा इसका जो एसिडिटी है माने पीएच वैल्यू है ये हार्पिक के बराबर है। तो मेरी आई ये सब समझती नहीं है क्योंकि वो स्कूल नहीं गई, बस उसने इतना जरूर मान लिया कि हाँ ठीक है करके देख लेना। तो मैंने आई को कहा 30 दिवस संडा साफ नहीं करेंगे, इसको गंदा होने देंगे, तभी तो असली परीक्षण होगा कि कितनी ताकत है पेप्सी और कोक में। तो 30 दिवस मैंने संडा साफ नहीं किया, वो बहुत गंदा हो गया, आधा आधा इंच उसमें पीला कचरा जमा हो गया। फिर क्या हुआ, मैं एक बॉटल पेप्सी कोला खरीद के लाया, एक बॉटल कोका कोला लाया, दोनों को मैंने आपस में मिलाया, फिर टॉयलेट पॉट पे उसको गिराया और 2 मिनट के बाद टॉयलेट पॉट को पानी से साफ किया तो टॉयलेट पॉट झकाझक सफेद, एकदम वाइट एंड वाइट, एकदम नीट एंड क्लीनर। अब मुझे बहुत दुख होता है कि भारत में कुछ पढ़े लिखे सुशिक्षित लोग ये टॉयलेट क्लीनर पीते हैं, घटाघट घटाघट, और जास्ती पढ़े लिखे लोग जास्ती पीते हैं, एजुकेटेड इडियट्स उनको मैं कहता हूं। वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, मैनेजर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, वो जास्ती पेप्सी कोक पीते हैं। अनएजुकेटेड है वो इंटेलिजेंट है, और जो सुशिक्षित है वो इडियट है, पेप्सी पीता है, कोक पीता है, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, और अकेले नहीं पीता, घर में आने वाले मेहमान को भी पिलाता है। एक बाजू में कहता है मेहमान देवता होता है, देवताओं को ही संडा साफ करने का पानी। कुछ मेहमान अपने घर में ऐसे आते हैं जो घुसते ही कहते हैं ठंडा लाओ माने टॉयलेट क्लीनर पिलाओ हमको अभी ना, ऐसा धंधा चल रहा है। अब मैं आपको एक सीरियस माहिती देना चाहता हूं, ये जो पेप्सी कोला है, ये जो कोका कोला है, इसको बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी भारत में आई है, कंपनी का नाम भी यही है पेप्सी कोला और कोका कोला। ये दोनों अमेरिका की कंपनी ने भारत में कई गांव में अपना कारखाना लगाया, फैक्ट्री। आप अगर यहां से पुणे जाओ ना, पुणे, तो पुणे के बाजू में एक गांव है पेरंगुट, वहां पर कोका कोला की सबसे बड़ी फैक्ट्री। एक बार मैं वो फैक्ट्री देखने गया तो वहां जो मैनेजर काम करता, मैंने उसको पूछा कि आप इस फैक्ट्री में क्या बनाते, तो उनका कोका कोला बनाते। तो एक बाटली कितने में बनता है, उसने कहा 70 पैसे में बनता। तो मैं दिमाग घूम गया मेरा, 70 पैसे में, उसने कहा हाँ ये बाटली 70 पैसे में इसलिए बनता है कि ये बाटली में पानी है, पानी फोकट का मिलता है हमें, सरकार हमसे पानी का पैसा नहीं लेती, फिर इस पानी में हम कुछ केमिकल मिलाते हैं, वो केमिकल बहुत सस्ते आते हैं, कोई केमिकल 2 पैसे का, कोई 5 पैसे का, कोई 10 पैसे का, कुल केमिकल मिलाकर 70 पैसे खर्च होता है, फिर सरकार इस पर 1 रुपये टैक्स लेती है हमसे, फिर 30 पैसे जाहिरात का हम खर्च करते हैं, तो एक बाटली बनाने पे 2 रुपये खर्च आता है। वो बाटली कलम्बोली में 12 रुपये का बेचते हैं, बनाते हैं 2 में, बेचते हैं 12 में, तो कंपनी को मुनाफा होता है, नफा होता है 10 रुपए। इसका अर्थ ये हुआ कि कलम्बोली के किसी भी नागरिक ने एक बाटली कोका कोला पिया तो 10 रुपए भारत से अमेरिका को दिया। 800 कोटी बाटली पीते हैं कोका कोला की, पेप्सी कोला, और हर साल एक वर्ष में 7,000 कोटी रुपए अमेरिका को देते हैं। एक वर्ष में 7,000 कोटी गया, 2 वर्ष में 14,000 कोटी, 3 वर्ष में 21,000 कोटी, 15 वर्ष से ये धंधा चल रहा है कोका कोला, तो 15 वर्ष में 1,00,000 कोटी रुपए भारत से अमेरिका चला गया।
ये 1,00,000 करोड़ रुपए इतनी बड़ी रकम है जिसमें कम से कम 10,000 इंजीनियरिंग कॉलेज बन सकते हैं। रुपए से सोना खरीद लिया जाए तो महाराष्ट्र राज्य के 19,000 गांव की सड़क सोने से बन सकती है। 1,00,000 करोड़ रुपए की रकम भारत से अमेरिका चली गई क्या करने से, कोका कोला पीने से। अब जिन्होंने कोका कोला पिया उन्होंने देश को 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान करा दिया। अब आगे क्या हुआ कि हमने कोका कोला पिया, पैसा अमेरिका चला गया, अमेरिका ने ये पैसा पाकिस्तान को दान में दिया क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती है, मित्रता है, भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी है, अमेरिका और पाकिस्तान में दोस्ती है। तो हमने कोका कोला पिया, पैसा अमेरिका गया, अमेरिका ने पाकिस्तान को दे दिया दान में, पाकिस्तान सरकार ने वो पैसा त्रासवादी संगठनों को दे दिया दान में, लश्करे तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ऐसे 100 से ज्यादा त्रासवादी संगठन, उनको पैसा दिया पाकिस्तान सरकार ने, पाकिस्तान सरकार को पैसा दिया अमेरिका की सरकार ने, अमेरिका की सरकार को पैसा दिया उन भारतवासियों ने जिन्होंने कोका कोला पिया। आप जरा देखो, जो आदमी कोका कोला पी रहा है वो अपना पैसा दुश्मन को दे रहा है और बोलता है भारत माता की जय, पैसा दुश्मन को दे रहा है, कह रहा है भारत माता की जय, कैसे होगा, भारत माता का तो पराजय होने वाला है। और दुख मैंने कहा आपसे मुझे इस बात का है कि सुशिक्षित लोग पेप्सी कोक पी रहे हैं, पैसा अमेरिका जा रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है, पाकिस्तान त्रासवादियों को दे रहा है, त्रासवादी उस पैसे से बम बना रहे हैं और वो बम मुंबई में लाकर ब्लास्ट कर रहे हैं और उस बम ब्लास्ट में हमारे भाई बहन मर रहे हैं। पिछले 15 सालों में आतंकवादियों ने, त्रासवादियों ने भारत में जितने बम ब्लास्ट किए हैं उनमें 64,000 भारतवासी मर गए। बार बार कोका कोला पिए तो अंतड़ियों का कैंसर होता है, इंटेस्टाइन कैंसर होता है, तो वो दूसरा नुकसान हमको हो रहा है। भारत में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक संस्थान है, उसका नाम है CFTRI, सेंट्रल फूड फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये संस्थान कर्नाटक में है, मैसूर में। इस संस्थान के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर MG प्रकाश, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम के वो कक्षा के मित्र हैं, क्लासमेट जिनको कहा जाता है। प्रोफेसर MG प्रकाश को एक बार मैंने कहा कि ये पेप्सी कोका कोला की जांच करके ये बताइए कि इसमें फॉस्फोरिक एसिड के अतिरिक्त और क्या मिलाया है, तो उन्होंने किया। 8 महीने के बाद उन्होंने बताया कि पेप्सी और कोका कोला में 14 तरह का विष या जहर मिलाया जाता है और उसका नाम सुने तो आप परेशान हो जाएंगे। पेप्सी कोक में एक जहर मिलाया जाता है, उसका नाम है DDT, मच्छर मारने की दवा है ये, वो पेप्सी कोक में मिलाई जाती है। दूसरा जहर मिलाया जाता है पेप्सी कोक में, उसका नाम है एंडोसल्फान, ये जंतुनाशक औषध है जिसको शेतकरी समाज स्प्रे करता है शेती। एक औषध इसमें मिलाई जाती है मेलाथियन, फिर एक औषध मिलाते हैं डाइक्रोमेट, फिर एक मिलाते हैं मोनोक्रोटोफॉस। ये जो औषध है वो वही है जो गुड नाइट में होता है, गुड नाइट आपने देखा, उसमें जो जंतुनाशक औषध है वो पेप्सी कोक में भी मिला। मैंने प्रोफेसर MV प्रकाश को एक दिन पूछा कि ये इतने खतरनाक जहरीले केमिकल मोनोक्रोटोफॉस, डाइक्रोमेट, एंडोसल्फान की पूछा था उनसे कि आप इसमें कोका कोला और पेप्सी कोला में DDT क्यों मिलाते हैं, एंडोसल्फान क्यों डालते हैं, बताया नहीं उन्होंने, जवाब नहीं दिया। तब मैंने प्रोफेसर प्रकाश को कहा कि अब क्या करें, तो उनका ऐसा करो इस कंपनी के खिलाफ एक केस कर दो तो ये सब आएंगे बताने के लिए। तो हमने भारत देश में राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है जयपुर में, वहां पर एक केस कर दिया कंपनी के खिलाफ, और जैसे ही हमने केस किया तो कंपनी के सारे अधिकारी कोर्ट में आ गए। हाई कोर्ट ने उनसे पूछा आपने, तब उन्होंने आकर कोर्ट में बताया कि हमारी एक मजबूरी है, वो मजबूरी ये है कि जब हम ये बाटली भरते हैं कोका कोला की तो बाटली भरने के 48 मिनट के बाद इसमें जंतु उत्पन्न हो जाते हैं और ये जंतुओं की संख्या हर 48 मिनट में बढ़ती जाती है और हमारी जो बाटली बनती है और बाजार में जब बिकती है तो इसमें 90 दिन खत्म हो जाते हैं, माने बाटली बनने से बिकने तक 90 दिन का समय लगता है।
तो 3 महीने में बाटली में इतने जंतु आ जाते हैं कि कोई भी आंखों से देख सकता है, तो कोई देख लेगा जंतुओं को तो पिएगा नहीं। इसलिए इन बाटलियों में हम जंतुनाशक औषध मिला देते हैं ताकि जंतु मरते रहें, और कोई भी पिएगा तो उन्होंने कहा फिर वो उसकी समस्या है जो पिएगा, विकलांग हो जाए। इतना खतरनाक। और एक साइंटिस्ट ने यहां तक कहा है रिपोर्ट में कि पेप्सी और कोका कोला का इंजेक्शन भर के, इंजेक्शन आता है ना जिसमें दवा नहीं भरना, पेप्सी कोला भरना, और किसी भी व्यक्ति को इंजेक्ट कर दो ब्लड में तो 15 मिनट में उसको हार्ट अटैक आ जाए। और एक वैज्ञानिक ने यह कहा है कि रोज अगर 1 बाटली 2 बाटली कोई भी पेप्सी पीता रहे 3रे साल में उसको नपुंसकता आ जाएगी, क्योंकि उसमें केमिकल इतने खतरनाक। अब एक तरफ पेप्सी को बिकने का पैसा अमेरिका जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे शरीर को 48 रोग पैदा होने की शक्यता है, ऐसा पेप्सी और कोका कोला बेचने का धंधा आमिर खान करा रहा है, सलमान खान और शाहरुख खान करा रहा है, और ये सब खेल देश में चल रहा है जिसका नुकसान भारत माता को हो रहा है, आपको हो रहा है, और जिसका फायदा त्रासवादियों को हो रहा है। आप त्रासवादियों से रोज परेशान हो रहे हैं, उनको पैसा पाकिस्तान से मिल रहा है, पाकिस्तान को पैसा अमेरिका से मिल रहा है, अमेरिका को पैसा भारत के वो लोग दे रहे हैं जो पेप्सी और कोका कोला पी रहे हैं। अभी आप विद्यार्थियों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पेप्सी कोला पीना चाहिए? तो मैं आपको बोलूंगा कि आप भारत माता के सबसे बड़े दुश्मन हैं और देशद्रोही हैं। तो आप बोलेंगे फिर हम क्या पिए? पीने के लिए सबसे अच्छा है ऊस का रस पीजिए, संतरे का रस पीजिए, मौसमी का रस पीजिए, आपको कुछ मिलता है अच्छा तो द्राक्ष का रस पीजिए, गाजर का रस पीजिए, टमाटर का रस पीजिए, कुछ नहीं मिलता तो नींबू की शिकंजी पीजिए, नारियल का पानी पीजिए, वो भी नहीं मिलता है तो मिट्टी के घड़े का पानी पीजिए, वो पेप्सी कोक से अच्छा है क्वालिटी में और कीमत में सस्ता है। आप सब भारतवासी अगर ये बात मान लें कि पेप्सी कोक ना पिए तो 1 वर्ष में देश का 7,000 कोटी रुपए बचेगा, उतने ही रुपए से ऊस का रस पिए तो 7,000 कोटी रुपए का ऊस का रस बिकेगा, 7,000 कोटी का अगर ऊस का रस बिकेगा तो दर वर्षी शेतकरी समाज को जो ऊस उत्पन्न करता है उसको 7,000 कोटी रुपए का लाभ होगा। और मैंने एक दिन जोड़ा है हिसाब कि 10 वर्ष में हिंदुस्तान का हर शेतकरी जो ऊस उत्पन्न कर रहा है वो कोटिपति हो जाएगा और फिर कभी भी आत्महत्या करने का काम नहीं करेगा। तो भारत के शेतकरी को श्रीमंत बनाइए, शेतकरी को कोटिपति बनाइए ताकि वो आत्महत्या ना करे, इसलिए ऊस का रस पीजिए, पेप्सी को कभी मत पीजिए। उसका रस ना मिले तो संतरे का रस पीजिए, तो भी मुनाफा शेतकरी को ही मिलेगा, संतरे का रस ना मिले तो ये मौसमी का रस, द्राक्ष का रस पी लीजिए तो भी पैसा शेतकरी को मिलेगा। माने ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक पीजिए जो भगवान का बनाया हुआ और शेतकरी को लाभ पहुंचाने वाला करेंगे। और अगर आपने ये किया तो एक बहुत बड़ी क्रांति इस देश में हो जाएगी, जैसे कभी 1857 में इस देश में हुई थी। 1857 की क्रांति जिन्होंने की उनको हम बड़े श्रद्धा से याद करते हैं, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, वासुदेव बलवंत फड़के, ये सब क्रांतिकारियों को हम श्रद्धा से याद करते हैं क्योंकि इन्होंने भारत में एक क्रांति की थी सन 1857 में। आप अगर 2008 में कोई दूसरी क्रांति करेंगे तो आपके आने वाली पीढ़ी आपको इतनी ही श्रद्धा से याद करेगी कि कभी भारत के विद्यार्थियों ने एक क्रांति की थी जिसमें शेतकरी समाज को पैसा मिला था और पेप्सी कोक का पैसा इस देश में रुका था विदेश जाने से। तो आपको भी इतिहास में ऐसे याद करेगा। ये संधि आपके पास है, आप अपने जीवन में एक संकल्प लेकर इसको पूरा कर सकते हैं। अब आप एक आखिरी प्रश्न पूछेंगे कि भारत की सरकार को ये माहिती नहीं है क्या कि कोर्ट में हमारा केस अभी चल रहा है? तो भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से जो वकील आया सुप्रीम कोर्ट में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि प्रधानमंत्री को ये पूछो कि उन्होंने पेप्सी और कोका कोला को लाइसेंस क्यों दिया। प्रधानमंत्री कौन है मालूम है? डॉक्टर
मनमोहन सिंह, यही व्यक्ति थोड़े दिन पहले देश में वित्त मंत्री भी थे 1991 में, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने ही पेप्सी और कोका कोला को लाइसेंस दिया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, उस पर हस्ताक्षर इन्हीं के हैं, उसकी फोटोकॉपी मेरे पास है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को वो पेपर्स दिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साइन किए हैं और लाइसेंस दिया है पेप्सी कोक को, तो मनमोहन सिंह को पूछा जाए कि उन्होंने क्यों किया ऐसा। तो मनमोहन सिंह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब आया वो सुनने लायक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने पेप्सी और कोका कोला को लाइसेंस दिया है बहुत बड़ी मजबूरी में, खुशी से नहीं। तो मजबूरी क्या है? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सरकार ने सन 1991 के साल में अमेरिका से कर्ज लिया था, कर्ज इतनी जरूरत थी कि भारत देश का खजाना बिल्कुल खाली हो गया था, और भारत की सरकार ने खजाने का सोना भी बेच लिया था 47 मीट्रिक टन। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, खजाने का सारा सोना बिक चुका था, पैसे हमारे पास थे नहीं, हमको कर्ज चाहिए था, हमने अमेरिका से कर्ज मांगा, अमेरिका ने हमारे ऊपर शर्त लगाई कि जब तक पेप्सी कोक को लाइसेंस भारत में आप नहीं दोगे हम कर्ज नहीं देंगे, तो इस मजबूरी में हमने कर्ज दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को कहा कि आपने इनको लाइसेंस दिया है तो अब इनका लाइसेंस रद्द कर दो, कैंसिल कर दो। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, क्यों? तो उन्होंने कहा कर्जे की शर्त है कि जब तक ये कर्ज हम अमेरिका को वापस नहीं करेंगे तब तक पेप्सी कोक का लाइसेंस रद्द नहीं होगा। तो ये समस्या है प्रधानमंत्री की। फिर ये समस्या को लेकर मैं भारत के राष्ट्रपति को मिला था, जो अभी भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम। उनको मैंने कहा कि देखिए ऐसी समस्या आ गई है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब तक हम कर्ज वापस नहीं करेंगे अमेरिका का, मैंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा तो कर दिया है, इसका फैसला तो जो आएगा सो आएगा, लेकिन देश में क्या करना चाहिए? तब उन्होंने मुझे बहुत सुंदर अंग्रेजी में कहा, यू शुड वॉक 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 एंड टॉक 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 टू द ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री। तो भारत के एक एक गांव में जाओ, लोगों को यही माहिती दो जो तुम मुझे दे रहे हो। लोगों को ये माहिती जितनी ज्यादा मिलेगी उतना ज्यादा लोग पेप्सी को पीना बंद करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे, तो कंपनी का धंधा खत्म हो जाएगा, तो ये कंपनी भारत से भाग जाएगी। प्रधानमंत्री भारत देश का ये कंपनी को नहीं भगा सकता, लेकिन करोड़ों भारतवासी इस कंपनी को भगा सकते हैं। इसलिए मैं आपके पास ये कहने के लिए, और आप याद रखिएगा कि हमें ये पेप्सी और कोक कंपनी को ऐसे ही भगाना है जैसे हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने के लिए हमारे देश में एक बड़े क्रांतिवीर आए थे जिनका नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। पुणे में उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था 1905 में, उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। और तिलक गांव-गांव जाते थे और लोगों को कहते थे कि अंग्रेजों को भगाना है तो अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार करो, अंग्रेजी कापड़ पहनना बंद करो, अंग्रेजी वस्तु वापरना बंद करो। तो लोगों ने तिलक की बात को स्वीकार किया था और अंग्रेजी वस्तु वापरना कम किया था, तो धीरे धीरे अंग्रेजों का धंधा कम हुआ था। फिर महात्मा गांधी ने इसी सूत्र को आगे बढ़ाया था और अंग्रेज 1947 में भारत से भाग गए थे। तो अगर अंग्रेज भाग सकते हैं तो पेप्सी और कोका कोला भी भागेगा। बस आपका सहकार चाहिए, सहयोग चाहिए, और वो सहकार इस रूप में चाहिए कि आप कभी पेप्सी को पीना नहीं, किसी को पिलाना नहीं, मुफ्त में भी कोई दे तो कभी लेना नहीं। मंजूर है? बहुत अच्छा। अभी दूसरा एक छोटी सी माहिती आपको और देना चाहता हूँ पेप्सी कोका कोला। एक तीसरी है, उसका नाम है कोलगेट पामोलिव, इसको भी भगाना है। ये कंपनी क्या धंधा कर रही है, ये टूथपेस्ट बेच रही है और टीवी पे जाहिरात आता है उसका, और टीवी पे जाहिरात में कहते हैं कि कोलगेट बेस्ट क्वालिटी पेस्ट है, इससे सांसों की बदबू दूर होती है, दांतों की सड़न दूर होती है, इसमें कैल्शियम मिलाया हुआ है, इसमें फास्फोरस भी है, वगैरह वगैरह ऐसे जाहिरात आते हैं। एक बार कोलगेट कंपनी को मैंने पत्र लिखा और पूछा कि आपके टूथपेस्ट में कैल्शियम कैसे मिलाते हैं, तो उसके अधिकारी ने कहा कि हम कैल्शियम मिलाते नहीं है, हम तो एक ऐसी वस्तु से कोलगेट बनाते हैं जिसमें कैल्शियम होता। तो मैंने पूछा वो वस्तु क्या है, तो उन्होंने कहा वो वस्तु है डूकर की हड्डी।
सुअर की हड्डियां, पिग बोन्स। मैंने उनको पूछा ये ढूंकर की हड्डियां कहां से लाते हैं, तो उन्होंने कहा भारत में बहुत मिलती है। कहां मिलती है? तब उस कंपनी ने बताया कि भारत में 3600 कसाई खाने चलते हैं, जहां दर रोज 14,000 ढूंकर कटते हैं, इनका मांस उत्पन्न होता है, उसको बाजार में एक कंपनी खरीदी करती है, और जो कंपनी ढूंकर का मांस खरीदी करती है उसका नाम है मैकडॉनल्ड, और वो ढूंकर के मांस से बनाती है पिज्जा, उससे बनता है बर्गर, फिर बनता है हॉट डॉग, फिर बनता है कोल्ड डॉग, और पढ़े लिखे इडियट क्लास के लोग इसको गफर गफर खाते हैं, ढूंकर के मांस का पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग। आप ध्यान देना, सुशिक्षित नागरिक ही पिज्जा खाता है, अशिक्षित नागरिक नहीं खाता, वो जवारी की भाखरी खाता, वो पिज्जा और बर्गर खाता है, ढूंकर के मांस का बनाया हुआ। फिर कहता गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ढूंकर का मांस खाके कहता हिंदू है। और ये जो ढूंकर का मांस है ना, जिससे पिज्जा बर्गर बनता है, इस ढूंकर के मांस में से तेल निकाला जाता है जिसको पिग टैलो कहते हैं, उस तेल से मैगी बनती है, मैगी। और भारत में बहुत सारे बच्चे अपनी आई को कहते हैं मम्मी मम्मी भूख लगी, मम्मी कहती है बस 2 मिनट मैगी। तो मैगी बनती है, पिज्जा बर्गर बनता है, मांस बिक जाता है, उसकी हड्डियां क्या कहां जाती है? हड्डियों को कॉलगेट कंपनी खरीदती है, हड्डियों को सूर्य प्रकाश में सुखाया जाता है, फिर मशीन में डालकर पाउडर बनाया जाता है, फिर उस पाउडर से कॉलगेट बनता है, उसे है, फिर कहते हैं सांस की बदबू दूर हो गई। कई लोगों को मैंने देखा है उपवास करते हैं, 10-10 दिन का उपवास करते हैं, गणपति उत्सव में 10 दिन उपवास करते हैं, पानी भी नहीं पीते, लेकिन सवेरे ही सवेरे ढूंकर की हड्डियों का पाउडर घिस लेते हैं। ऐसा हो रहा है हमारे देश। तो आपको मेरी दूसरी विनती है कि आप ये कॉलगेट नहीं लगाना। तो आप बोलेंगे कॉलगेट की जगह कौन सा पेस्ट लगाना, कॉलगेट की जगह आप बोलेंगे पेप्सोडेंट लगाना। क्या पेप्सोडेंट बनता है? भैंस की हड्डियों से, मशी की हड्डियों से। तो आप बोलेंगे क्लोजअप लगाना, क्लोजअप बनता है गाय की हड्डियों से। तो आप बोलेंगे कौन सा पेस्ट लगाना, मेरी बात माने तो कोई पेस्ट मत लगाना, आप लिमड़ा के दातन से, नीम के दातन से दांत साफ करना, कड़ू लिमची काढ़ी, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं है, गांव गांव गली गली कड़ू लिमची काढ़ी मिलती है, उससे दांत घिसना तो दांत मजबूत होंगे, पैसे बचेंगे और मुनाफा शेतकरी समाज को मिलेगा। 50 लाख शेतकरी नागरिकों को काढ़ी बेचने का रोजगार मिल जाएगा। आप कभी मुंबई जाते हैं? मुंबई के सभी रेलवे स्टेशन में कड़ू लीम की काढ़ी मिलती है, 1 रुपए की, 2 रुपए की, 3, दादर में मिलती है, घाटकोपर में मिलती है, कहीं भी मिलती है, मुंबई बीटी में मिलती है, चर्च गेट में मिलती है। अब मुंबई में मिलती है तो कलमबोली में भी मिल सकती है। कैसे मिलेगी? आप डिमांड करो तो सप्लाई आएगी। अर्थशास्त्र का एक नियम है कि मांग करो तो पूर्ति होगी। आप कड़ू लीम की काढ़ी चाहिए 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 ऐसा बोलोगे तो कोई ना कोई लाके बेचेगा, तो किसी ना किसी शेतकरी बांधव को रोजगारी मिलेगी। और एक फायदा क्या होगा, कड़ू लीम की काढ़ी करेंगे तो पहले चबाना पड़ता है, उसमें से रस निकलेगा, कड़ू लीम का रस अगर आपने थोड़ा भी पी लिया तो जीवन पर्यंत कभी डायबिटीज नाम का रोग नहीं होगा। गुड़ी पड़वा 1 जनवरी नहीं है, गुड़ी पड़वा है, याद रखना इसको। 1 जनवरी क्रिश्चियन लोगों का नया वर्ष है, हम हिंदुस्तानियों का नया वर्ष है गुड़ी पड़वा। अच्छा, गुड़ी पड़वा के दिन प्रसाद बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं? उसमें कड़ू लीम का पान क्यों डालते हैं? डालते हैं कि नहीं? बिना कड़ू लीम के पान के प्रसाद नहीं बनता, क्यों? पुणे में एक बहुत पुराने वैद्य हैं, वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक, वैद्य नाड़ी परीक्षण उनका बहुत अच्छा है, उनका नाम है वैद्य खड़ी वाले, सुनाए कभी? जरूर उनके पास जाओ, 85 वर्ष की उम्र है, ज्ञान बहुत है उनको आयुर्वेद का।
मैं अक्सर उनके पास जाता हूँ। तो एक बार मैंने उनसे ये प्रश्न किया कि अपने देश में नया वर्ष आता है, गुड़ी पड़वा को हम उस दिन प्रसाद बनाते हैं, तो कड़ू लिम का पान क्यों डालते हैं, तुलसी का पान क्यों नहीं डालते, कोतमीर का पान क्यों नहीं डाल देते, हाँ वो भी तो पान है ना, कड़ू लिम का ही क्यों डालते। तब वैद्य खड़ी वाले ने कहा कि कड़ू लिम जो है एंटीवायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी पायरेटिक है, एंटी फंगल है, 5 गुण है कड़ू लिम में, वो किसी भी वायरस को मार सकता है, किसी भी बैक्टीरिया को मार सकता है और शरीर को 5 गुण से संपन्न बना देता है। और जिस दिन हम कड़ू लिम का प्रसाद खाएंगे तो अगले 1 वर्ष तक निरोगी होने की शक्यता है, इसलिए हम कड़ू लिम का प्रसाद वो शेतकरी के काम आएगी, क्योंकि कड़ू लिम की निम्बोड़ी को चटनी बना के गर्म पानी में मिलाकर अगर किसी भी पीक पर स्प्रे कर दें तो सब जंतु का नाश कर देती है, तो जंतुनाशक है। तो फोकट का जंतुनाशक हम बनाएंगे शेतकरी के लिए, मुफ्त का मिलेगा दातन और मिलेगी ऑक्सीजन। और कड़ू लिम एक ऐसा झाड़ है जिसको पानी नहीं लगता, बिना पानी के ही हो जाता, तो लगाइए, एक एक झाड़ तो लगा दीजिए मरने से पहले, इतना तो देश के लिए करिए। और आप लगाएंगे झाड़, करेंगे दातन, तो बहुत अच्छा होगा। मैंने तो मेरे जीवन में एक संकल्प लिया है, आप भी ले लो, मैं किसी के घर में जाता हूँ विवाह समारोह में, लग्न प्रसंग में, तो कभी भी कवर में रख के रुपए नहीं देता किसी को। क्यों? मुझे नहीं मालूम कि मेरे रुपए से उसने दारू पिया तो, सिनेमा देखा तो, गुटखा खाया, तंबाकू खाया तो मैं रुपए नहीं रख देता कभी भी कवर में। तो क्या देता हूं मैं उसको? कड़ू लिम का झाड़ देके आता हूं और लग्न प्रसंग में डबल देके आता हूं, एक पति को एक पत्नी को। तो झाड़ को खा तो नहीं सकते, झक मार के लगाना ही पड़ता है। तो 2 झाड़ तो लगे। और कोई लोग कहते हैं राजीव भाई हमारे घर में झाड़ लगाने को जगह नहीं है, तो पड़ोसी के घर में लगा दो, डबल फायदा, उसको भी मिलेगा आपको भी मिलेगा। तो झाड़ लगाओ। मैंने एक दिन सोचा 10 करोड़ विद्यार्थी दर वर्षी एक एक झाड़ लगाएं, 10 करोड़ झाड़ देश में हर वर्ष लगे, तो 5-7 वर्ष में पर्यावरण के दूषण की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, तो बारिश का पानी भी ज्यादा मिलेगा, तो शेतकरी को फिर फायदा मिलेगा। ठीक है, तो कॉलगेट बंद, कड़ू लिम का दातन शुरू। परदेशी साबुन नहीं वापरना, लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, कैमे, ये सब परदेशी साबुन। आप बोलेंगे फिर स्नान कैसे करना? आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, भारत देश में एक त्योहार आता है महाशिवरात्रि, आता है उस दिन शंकर भगवान को स्नान कराते, किससे कराते? दूध से। कभी देखा शंकर भगवान लक्स लगाते और पार्वती देवी लाइफ बॉय से नहाती? देखा है कभी? नहीं। शंकर जी दूध से नहाते हैं तो भक्तों को भी दूध से नहाना चाहिए। हमारे भारत में एक कहावत है, दूधो नहाओ पूतो फलो, कभी किसी ने यह नहीं कहा लक्स लगाओ पूतो फलो, दूध से नहाओ पूतो फलो। तो आप बोलेंगे दूध बहुत महंगा है। नहीं नहीं, बहुत सस्ता है। कलम बोली में 1 लीटर दूध 20 रुपए का, 25 रुपए का, कितने का ही है ना, 25 रुपए का। और 1 किलो साबुन, सबसे सस्ता साबुन है लक्स या लाइफ बॉय, 15 रुपए का 100 ग्राम है, माने 150 रुपए किलो। तो साबुन 150 रुपए किलो है, दूध 25 रुपए किलो है। दूध साबुन से कम 6 पट सस्ता है, तो दूध से नहाओ। फिर आप बोलोगे कैसे नहाए, तरीका मैं बताता हूं, बहुत सरल है। आप क्या करना, 2-3 चम्मच दूध ले लो, जास्ती नहीं, 2-3 चम्मच बस, गरम नहीं करना उसको, बिना गरम किया उस दूध को शरीर में ऐसे लगाओ जैसे तेल लगाते, तेल मालिश करते, दूध की मालिश करो शरीर, 2-3 मिनट मालिश करो, फिर उसके बाद पानी से नहाओ, तो सारा मैल और गंदगी दूध बाहर निकाल देगा, पानी के साथ बाहर चलेगा। दूध जो है ना बेस्ट क्वालिटी क्लींजिंग एजेंट है, ये जितने ब्यूटी पार्लर्स है ना वहां मिल्क क्लींजिंग ही किया जाता है, हो जाएगा। तो अपना पैसा अमेरिका को नहीं देना है, अपना पैसा भारत के शेतकरी समाज को देना है। तो दूध
उससे नहाओ। और दूध से भी अच्छी एक चीज है नहाने के लिए, चने का आटा माने बेसन, थोड़ा बेसन ले लो, उसमें दूध मिला दो, पेस्ट बनेगा, उसको रगड़ के नहाओ। फिर एक है मराठी है, दीपावली के दिन कैसे स्नान करते, उठना तो रोज उठने से नहाओ, रोज दिवाली मनाओ। और उठने में जितनी चीजें हैं वो सब शेतकरी समाज ही देता है, तो उठने का पैसा शेतकरी को मिलेगा, साबुन का पैसा अमेरिका को मिलेगा। तय करो क्या करना है, पैसा किसको देना है, शेतकरी समाज को। तो या तो उठने से नहाओ, नहीं तो दूध से नहाओ, नहीं तो मुल्तानी मिट्टी से नहाओ, नहीं तो बेसन से नहाओ, नहीं तो और एक फोकट का स्नान करने का तरीका बता। मैं कैसे नहाता हूं, मेरे जो कपड़े हैं ना इनको मैं साबुन से धोता हूं पहले, फिर धोने के बाद पानी से साफ किया, फिर उससे शरीर की मालिश करता हूं और पानी से नहा लेता हूं, कुछ लगाना नहीं पड़ता, मुफ्त का स्नान है। और हजारों साल हिंदुस्तान के लोग ऐसे ही नहाते, साबुन की गरज नहीं है शरीर को, साबुन शरीर के लिए अच्छा नहीं है। साबुन से स्नान करेंगे शरीर की त्वचा में रूखापन आता है, ड्राइनेस आती है, और ज्यादा रूखा हो जाए तो सोराइसिस हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है, इसलिए साबुन मत लगाओ, दूध से नहाओ। और दूध के नहाने का एक और फायदा है, दूध से नहाओगे तो चामड़ी है ना त्वचा, ये एकदम सॉफ्ट रहती है, नरम, और त्वचा नरम रहेगी तो फेयर एंड लवली भी नहीं लगानी पड़ेगी। आजकल बहुत लोग फेयर एंड लवली लगाते हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा लगाते हैं क्योंकि इडियट वो ही है, ये लोग फेयर एंड लवली लगाते हैं। मैं उनको पूछता हूँ क्यों लगाते हो, तो कहते हैं इससे गोरापन आता। तो मैंने मेरे गांव में एक मशी को फेयर एंड लवली लगा के देखा, रगड़ रगड़ के 4 साल लगाया, वो मशी अभी भी काली की काली है। दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो काले को गोरा बना दे, जो काला है वो काला है, जो गोरा है वो गोरा है। इसलिए फेयर एंड लवली मत लगाओ, फालतू का खर्चा है। 25 ग्राम फेयर एंड लवली 40 रुपए में आती है, 50 ग्राम 80 रुपए में, 100 ग्राम 160 रुपए में, 1 किलो 1600 रुपए में। खाओ किशमिश, खाओ बादाम, खाओ, ये फेयर एंड लवली में क्यों फंस गए। तो आप कहते हैं इससे सुंदरता आती है, फेयर एंड लवली से कुछ सुंदरता नहीं आती। मेरा एक दोस्त है, मैं बताता हूँ, वो मेरे साथ IIT में पढ़ता था कानपुर में, वो मद्रास का रहने वाला है। आपके घर में तवा होता है ना, तवा उसको उल्टा कर दो, इतना काला है। हाँ, और 20 साल से फेयर एंड लवली लगा रहा है, 20 साल से अभी भी चिक्कट काला। कोई क्रीम बनी नहीं है काले को गोरा बनाने के लिए, ये आपको मूर्ख बनाते हैं। क्रीम से सुंदरता नहीं आती, पाउडर और लिपस्टिक से सुंदरता नहीं आती, सुंदरता आती है गुण कर्म और स्वभाव से। आपके गुण अच्छे बनाओ, कर्म अच्छे करो, स्वभाव अच्छा रखो। जिनके गुण कर्म स्वभाव अच्छे होते हैं वो दुनिया में सबसे सुंदर होते हैं। और भारत में तो ये कहा जाता है शरीर सुंदर नहीं होता, आत्मा सुंदर होती है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मरना सभी को है। मरने के बाद आपका जब अंतिम संस्कार किया जाता है ना, तो पूरा शरीर 20 ग्राम माटी में बदल जाता है। मैं बहुत बार कई लोगों के अंतिम संस्कार में गया हूं और मैंने वजन किया है कि मरने से पहले वो शरीर 70 किलो का है और लकड़ी से जलाने के बाद 20 ग्राम का रह जाता है। तो इस शरीर पर क्यों घमंड कर रहे हो इतना, ये 20 ग्राम माटी में बदल जाएगा, कोई याद भी नहीं रखेगा इसको। मरने के बाद किसी का शरीर याद नहीं किया जाता, गोरापन और कालापन याद नहीं किया जाता, याद किए जाते हैं उसके गुण, उसके कर्म, उसका स्वभाव। कोई मर जाए तो हम कहते हैं ओहो कितना देशभक्त था, कितना देव भक्त था, कितना धर्म भक्त था, बेचारा मर गया। ऐसे कभी याद किसी को नहीं करते, ओ मर गया कितना गोरा था, बेचारा मर गया, कोई नहीं कहता। तो इसलिए शरीर पर घमंड मत करो, ये चला जाएगा आज नहीं तो कल। आत्मा अमर है, शरीर अमर नहीं है, तो शरीर की सुंदरता के चक्कर में मत फंसो, आत्मा को सुंदर बनाओ। आत्मा गुण कर्म स्वभाव से सुंदर होती है, आप उसी को करो। ये फेयर एंड लवली, क्लियर सिल, क्लियर टोन, फालतू क्रीमें बंद करो। ये है सब, कोई खराब नहीं है, सब बहुत अच्छे, अपने अपने तरीके से सब बहुत अच्छे हैं। और मैं आपको एक गहरी और गंभीर बात कहने आया, वो ये
कि सुंदरता किसी के शरीर में नहीं होती, सुंदरता देखने वाले की आंख में होती है। किसी को कोई चीज बहुत सुंदर लगती है, दूसरे को वो नहीं लगेगी। तो देखने वाले की आंखें सुंदर होती हैं, शरीर सुंदर नहीं होता। अपनी आई कितनी भी खराब हो, लेकिन दुनिया में सबसे सुंदर वही लगती है, क्योंकि हमारी आंखें आई को श्रद्धा से देखती है। तो अगर ये छोटी सी बात भारत की आपको मालूम है, तो फेयर एंड लवली की जरूरत है। और भाइयों से निवेदन है कि दाढ़ी भी दूध से बनाओ। तो आप बोलेंगे कैसे बनाएं? थोड़ा दूध ले लो, चेहरे में उसकी मालिश करो, फिर रेजर चलाओ, बहुत चिकनी दाढ़ी बनती है। 10 साल से मैं बनाता हूं। 4 फायदे हैं। दूध लगा के दाढ़ी बनाओ तो रेजर बहुत आसानी से चलता, ब्लेड की जिंदगी बढ़ जाती है। दूसरा फायदा, दूध लगाओ तो गंदगी निकलती है, तो कील मुहासे नहीं होते। तीसरा फायदा, दूध लगाओ तो खेड़ों को मुनाफा ज्यादा मिलता है। और चौथा फायदा, रोज दूध लगाओगे, दाढ़ी बनाओगे तो चेहरा चमकेगा और आप फोकट में स्मार्ट हो जाओगे। कल सवेरे से दूध से दाढ़ी बनाओ। और कलम बोली में जितने भी सैलून चलाने वाले हैं ना, उनको भी कहो दूध की दाढ़ी बनाओ। तो एक जगह बनेगी, फिर 2 जगह बनेगी, फिर फैशन चलेगा, फिर पूरे मुंबई में बनेगी। मेरा एक ही लक्ष्य है, मुनाफा शेतकरी समाज को मिलेगा। आजकल जाहिरात आते हैं, पान पराग, माणक चंद, ऊंचे लोग, नीची पसंद। माणक चंद बहुत खराब चीज है। ये जो गुटका होता है, गुटका मामा बहुत खराब है। क्रूसिबल लिया, क्रूसिबल समझते हैं? केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में एक बर्तन होता है जिसमें कोई भी चीज उबाली जाती है। तो क्रूसिबल में मैंने ये सब पान पराग, माणक चंद, गोवा, श्री और पता नहीं क्या क्या गुटका मिला के उबाला। उबालते हुए मैंने उसमें आलपिन डाल दिया। आलपिन जानते हैं, काचनी, आलपिन, सेफ्टी पिन, वो डाल दिया। उबालते उबालते थोड़ी देर के बाद मैंने उसको नीचे उतारा तो टांचड़ी पूरी गल गई उसकी। गुटखा इतना खतरनाक है, मत खाना करो। जो स्टेनलेस स्टील की टांचड़ी को गला देता है गुटखा, वो आप खाओगे तो पेट में क्या क्या गलाएगा, मत खाना, नहीं तो मुंह का कैंसर हो जाएगा। 200% गारंटी दे रहा हूं, मुंह का कैंसर हो जाएगा। और गुटखा खाओ तो उसके पहले 1 दिन 10 मिनट भारत के कृषि मंत्री शरद पवार की मुलाकात ले लेना। उनको मिलने जाना, भेटी करने जाना जरा, और पूछना कि गुटखा खाने का क्या मजा है, तो वो बताएंगे आपको कि क्या मजा है। उनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता इस देश में गुटखा खाने का क्या मजा है। ये हाल हो गया है मुंह का, एक तरफ मुंह लटका हुआ। तो गुटखा खाओ तो पहले याद कर लेना। भारत के कृषि मंत्री को अगर ये हो सकता है तो आपको तो उससे भी जल्दी हो सकता है। मत खाओ। तो आप बोलेंगे फिर क्या खाएं? गुटके से अच्छा बहुत कुछ है खाने के लिए। काजू खाओ, बादाम खाओ, किशमिश खाओ, मुनक्का खाओ, क्या नहीं है अपने पास? गुटका ही क्यों खा रहे हो? गुटका आता है 4 रुपए का 2 ग्राम, 8 रुपए का 4 ग्राम, और ज्यादा हिसाब लगाते जाओ तो 1600-1700 रुपए किलो बैठता है। इतनी महंगी चीज खाने की क्या दरकार है? 200 रुपए का ही काजू अच्छा है खाने को, बंद नहीं करना। और व्यसन में एक आखिरी चीज है, चाय और कॉफी भी नहीं पी, ये भी व्यसन है। चाय का व्यसन इतना खराब है, अंग्रेज आए तो उन्होंने चाय पिलाई फोकट में, अब हम इतने पागल हैं कि खरीद कर पी रहे। चाय को अंग्रेजों ने लाया इस देश में, अंग्रेजों के पहले चाय नहीं थी इस देश में, अब हम पी रहे हैं। और इतना पी रहे हैं कि एक दिन में 10-10 प्याले पी जाते हैं। किसी को भी पूछो बोलता है एनी टाइम इज टी टाइम, कभी भी चाय पी सकता। कई लोग तो कहते हैं कि सवेरे राजीव भाई संडास नहीं उतरती जब तक चाय नहीं पी लेते। क्या सत्यानाश किया आप लोगों ने अपने शरीर। ये चाय कॉफी मत पियो, विद्यार्थियों को तो बहुत ही खराब है। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि चाय में एक केमिकल है जिसका नाम है कैफीन, कॉफी में एक केमिकल है उसका नाम है कैफीन, दोनों में एक केमिकल है उसका नाम है टैनिन, और एक केमिकल है उसका नाम है निकोटिन। ऐसे 2000 केमिकल हैं चाय कॉफी में, ये सब शरीर को तकलीफ देते, मत पी। और दूध पीना हो तो हमेशा गाय का पीना, भैंस का दूध नहीं पीना, मशी का दूध नहीं पीना। मशी का दूध पियोगे मशी जैसे ही हो जाओ।
अभी सड़क पे देखो मशी खड़ी हो जाए, सामने से ट्रक आए, पीछे से बस आए, कितना भी हॉर्न बजाए मशी हटती नहीं, वहीं खड़ी रहती। क्यों नहीं हटती? उसको अकल नहीं है हटे कैसे। मशी इतनी मूर्ख है कि कीचड़ में घुस जाती है गंदे पानी में, फिर निकलती नहीं, डंडा मारो फिर भी नहीं निकलती। मशी का बच्चा देखा है, जब जन्म लेता है जमीन पर गिर जाता है, खड़ा नहीं हो पाता, दो दिन तीन दिन चार दिन ऐसे ही पड़ा रहता है, उठा के रखना पड़ता है। और गाय के बच्चे के बाद रनिंग दौड़ता है, और इतना दौड़ता है कि पकड़ नहीं सकते। क्यों? गाय का बच्चा गाय का दूध पीता है, इसलिए उसमें फुर्ती है, चुस्ती है, और मशी का बच्चा मशी का पीता है, इसलिए आलसी है। आप ये बताओ, भगवान कृष्ण ने गाय पाली कि मशी? मशी क्यों नहीं पाली? कृष्ण भगवान के पास 7 लाख गाय थी, एक मशी तो रख ही सकते थे, एक भैंस रखने में क्या तकलीफ थी, नहीं रखी उन्होंने। उनके भाई थे बलराम, उन्होंने भी गाय पाली, पिता उनके नंद बाबा, उन्होंने भी गाय पाली, भगवान राम के घर में गाय, दशरथ ने गाय पाली, जनक महाराज जो सीता के पिता थे उन्होंने गाय पाली, शंकर भगवान के पास गाय का नंदी, दत्त भगवान ने गाय पाली, सारे देवताओं ने गाय पाली है, मशी सिर्फ यमराज ने पाली है। तो मशी का दूध पियो, यमराज के पास जाओ, जाना है मत जाओ, अभी देश को जरूरत है आपको। मशी का दूध कभी नहीं पीना। आपको मैं गंभीर माहिती देता हूं, आपने आजकल डॉक्टरों के मुंह से सुना है दूध पीने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वो मशी का दूध पीने से बढ़ता है, गाय का नहीं। गाय का दूध पीने से 1 ग्राम भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, और मशी का दूध पीने से सबसे जास्ती कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़े तो हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आया तो यमराज के पास जाना पड़ता, कॉम्पिटिशन। और वो स्पर्धा ऐसे कराई कि दोनों का IQ टेस्ट करना था, इंटेलिजेंसी क्वेस्ट, कौन इंटेलिजेंट है। तो मैंने क्या किया उसके लिए कि एक दिवस गाय के बच्चे को जो मात्र 2 महीने का था उसकी आई से दूर ले जाकर जंगल में छोड़ दिया, और उसकी आई को मेरे घर में बंद करके ताला लगा दिया। तो गांव के शेतकरी सब पूछने लगे क्या होगा। मैंने कहा ये गाय के बच्चे का इंटेलिजेंसी देखना है कितना है, ये मैं जंगल में छोड़ के आऊंगा, देखना है कहां जाता है। तो हमने छोड़ दिया गाय के बच्चे को, और मैं मोटरसाइकिल से भाग के आ गया। 45-50 मिनट के बाद मैंने देखा वो गाय का बच्चा दौड़ता दौड़ता आ रहा है। रास्ते में उसको 5-6 गाय मिली, वो किसी के पास नहीं रुका, वो अपनी आई के पास आके खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा, अंदर से उसकी आई चिल्लाने लगी। तो मैंने दरवाजा खोल दिया, दोनों मिल गए। तो मैंने शेतकरी नागरिकों को कहा देखो गाय के बच्चे को इतनी इंटेलिजेंसी है, ये जंगल से आकर गांव का भी खोज किया, आई को भी खोज किया, और ये यहां तक पहुंच गया, और उसकी आई को घर में बंद करके ताला लगा दिया। अब समस्या ये हो गई कि वो मशी का बच्चा आज तक गांव में वापस नहीं आया। आप बोलेंगे वो कहां गया, वो दूसरे गांव में चला गया, और दूसरे गांव में दूसरी मशी के साथ चला गया, और दूसरी मशी इतनी मूर्ख ले गई उसको अपने साथ, उसको माहिती नहीं है कि ये उसका बेटा या नहीं है। ऐसी मूर्ख मशी, उसका पियो दूध, हो जाओगे सब ऐसे, मत पीना। तो आप बोलेंगे फिर दूध किसका पिए, गाय का पीना, गाय का। भगवान कृष्ण ने गाय का दूध पिया, आप भी पियो। कभी भी टीवी जाहिरात देखकर औषध नहीं लेना, औषध। जैसे टीवी में एक जाहिरात आता विक्स, विक्स का जाहिरात आता ना, विक्स सर्दी जुकाम की औषध, कभी मत लेना, क्योंकि विक्स जो है ना बहुत खराब औषध है। अमेरिका में 20 साल से विक्स बंद है, बैन है। डॉक्टर ये कहते हैं कि विक्स अगर उपयोग किया तो दमा हो जाता है, अस्थमा, इसलिए विक्स उपयोग नहीं करना। बेनेड्रिल कभी उपयोग नहीं करना। टॉरेक्स एक कफ सीरप आया है, कभी मत उपयोग करना। एस्पिरिन, डिस्परिन, एनाल्जिन, नोवाल्जिन, पैरासीटामोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, बैरालगन, बूटाजोल, ऑक्सीफिन बूटाजोल, ये सब अंग्रेजी औषध खतरनाक जहर हैं, कभी नहीं वापस। आप बोलेंगे फिर क्या करना, आपके स्वयं पाक घर में जो औषध है उसका उपयोग करना। आप बोलेंगे स्वयं पाक घर में क्या औषध है, अगर आपको सर्दी हो गई, सर्दी तो सर्दी की सबसे अच्छी औषध स्वयं पाक घर में है आल का रस, आल है ना, आल जिंजर अदरक, उसका रस निकालो और उसमें थोड़ा मध मिलाओ, मध माने शहद,
और उसको गर्म करके पी लो तो सर्दी खांसी बुखार जुकाम सब ठीक करता है। और आल के रस में थोड़ा तुलसी का रस मिलाओ और मध मिला के गर्म करके पी लो तो 10 साल पुरानी भी सर्दी हो तो मिटा दो। और जिंदगी में कभी भी सर्दी ना हो इसके लिए बहुत अच्छी औषध है, रात को दूध पीना, उसमें हड़द मिला के पीना सोने से पहले। हड़द का दूध कोई भी पिए तो जिंदगी में कभी भी सर्दी खांसी बुखार और टॉन्सिल की बीमारी जो बच्चों को होती है ये कभी नहीं होती। अपने स्वयं पाक घर में ऐसी बहुत औषध है। हमारे स्वयं पाक घर में एक अच्छी औषध है जो ताप बुखार में बहुत काम आती है, वो औषध यही है तुलसी का रस। तुलसी का रस ले लो। और एक आयुर्वेदिक औषध आती है, एक आयुर्वेदिक औषध आती है उसका नाम है छोटी पीपर। सुना है कभी छोटी पीपर? मराठी में क्या कहते हैं छोटी पीपर? बिल्कुल छोटी सी काले रंग की होती है। नहीं लवंग, नहीं लवंग अलग चीज है, पीपर। आप ऐसा करना आयुर्वेद की दुकान में जाना, उसको बोलना वो देगा। छोटी पीपर बिल्कुल ऐसी होती है जैसे काली मिर्च होती है वैसी होती है, लंबी सी होती है। उसको घिसकर उसका पाउडर और थोड़ा सा तुलसी का रस और मध, ये तीनों मिलाकर पीने से कितना भी ताप हो कितना भी बुखार हो खत्म हो जाए। ऐसे ही अपने स्वयं पाक घर में एक बहुत अच्छी औषध है मेथी का दाना। मेथी दाना देखा है? ये घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, संधिवात, संधिवात की सबसे अच्छी औषध है मेथी का दाना। इसको रात में पानी में डालना एक चम्मच, एक गिलास पानी में, सुबह सुबह उठकर मेथी का दाना खाना चबाकर पीछे से पानी पिएंगे तो 1.5-2 महीने में सारा संधिवात खत्म हो जाता है। और इसी मेथी के दाने से डायबिटीज भी ठीक हो जाती है, 3 महीने खाना पड़ता है। इसी मेथी के दाने से सिर में चक्कर आना बंद हो जाते हैं। इसी मेथी के दाने से माइग्रेन नाम की बीमारी ठीक हो जाती है, आधे सिर का दर्द। और ये मेथी का दाना हमारी आई के लिए बहुत उपयोगी है। जब हमारी आई की उम्र 45 वर्ष होती है तो मेनोपॉज पीरियड शुरू होता है, बहुत कॉम्प्लिकेशन उस समय आई को होते हैं, उस समय मेथी का दाना सभी आई को बहुत अच्छा काम आता है। और ये मेथी के दाने का आप उपयोग करना चाहें तो रक्त की जितनी भी बीमारियां हैं, रक्त की बीमारी माने हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये सब मेथी दाने से ठीक होता है। ऐसे ही अपने स्वयं पाक घर में एक बहुत अच्छी औषध है चूना। पान में जो चूना लगा के खाते हैं ना, ये एक चूना 48 बीमारियों में औषध का काम करता है। एक बहुत खराब बीमारी आती है उसका नाम है पीलिया, अंग्रेजी में कहते हैं जॉन्डिस, मराठी में शायद कहते हैं कावड़। कावड़ समझते हैं, आंखें पीली हो जाती, उसकी औषध है चूना। क्या करने का है, उसके रस में चूना मिला के पिलाओ जिसको भी काबिड़ हुआ, 7 ही दिन में काबिड़ ठीक हो जाए। कितना पिलाएं? 1 ग्राम चूना और 1 गिलास उसका रस। इसी चूने से और एक रोग ठीक होता है, आंखों में अगर मोतियाबिंद आ गया कैटरेक्ट, तो ऑपरेशन बिना कैटरेक्ट ठीक करना है तो चूने से ही ठीक होता है। चूना खाना है दही में मिला के या ताक में मिला के, इसी चूने से और एक रोग ठीक होता है। अपने घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनको ऊंच नहीं बढ़ता, कई ऐसे बच्चे होते हैं, उनको बोलो कि दही या ताक में चूना खाओ, ऊंच बढ़ेगा। और कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं मैंने जिनका लंबाई अच्छा है लेकिन बुद्धि कमजोर है, ब्रेन कम है, उनको चूना खिलाओ, ब्रेन बहुत अच्छा होता है। आप में से बहुत सारी बहनें हैं जिनको अक्सर एक बीमारी है, बाल टूट रहे हैं, आप चूना खाना शुरू कर दो बाल टूटना बंद हो जाए। अगर आपको नाखून में कोई तकलीफ आ रही है चूना खाओ, नाखून अच्छे हो जाएंगे। अगर आपको शरीर में चुस्ती फुर्ती भूख कम लग रही है चूना खाओ, भूख अच्छी लगेगी। मैंने इस चूने का प्रयोग करके 48 बीमारियों को ठीक किया है और पिछले 6 साल में हजारों रोगियों को ठीक किया फोकट में बिना एक पैसे खर्चे के। तो मैं सबको बोलता हूँ चूना खाओ, चूना किसी को लगाओ मत, चूना खाओ। चूना खाने के लिए घर में ऐसी कोई औषध नहीं है जिससे बीमारी ठीक ना हो। मैंने एक दिन स्वयं पाक घर का हिसाब निकाला था, स्वयं पाक घर में 108 औषध हैं और 148 बीमारियों का इलाज उससे होता है।
तो आप कभी भी बीमार पड़े तो बजाय डॉक्टर की दवा खाने के स्वयं पाक घर की औषध खाओ। और चलते चलते एक आखिरी माहिती देता हूं कि जिंदगी में चार सूत्र का पालन करो तो बीमार नहीं पड़ोगे कभी। चार सूत्र मैं बताता हूं, अगर विद्यार्थियों के पास नोटबुक है तो निकाल के लिख लो, कागज है तो कागज पे लिख लो, डायरी है तो डायरी में लिख लो, क्योंकि ये बताने कोई दोबारा नहीं आएगा आपके पास। मैं आपको चार ऐसे सूत्र बताकर जा रहा हूं जीवन पर्यंत काम आएंगे। आपको जीवन पर्यंत निरोगी रहना है, रोग मुक्त रहना है, सुखी रहना है, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, औषध ना खानी पड़े, ऑपरेशन ना कराना पड़े, इसके लिए आयुर्वेद के चार सूत्रों का पालन करो। बोलूं? बहुत सरल सूत्र हैं, आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे, लिखेंगे तो अच्छा है, नहीं तो याद हो जाएगा। पहला सूत्र है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। खाना खाने के बाद पीना है तो ताक पियो, और कुछ पीना है तो दूध पियो या तो जूस पियो, पानी मत पियो। खाना खाने के पहले पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 40 मिनट पहले पानी पी सकते हैं, बाद में 1 घंटे 30 मिनट तक पानी मत पियो। अब आप बोलोगे जी क्यों नहीं पिए, बात समझ लो, हम जो कुछ भी खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जिस स्थान पर इकट्ठा होता है उस स्थान को कहते हैं जठर, संस्कृत में कहते हैं जठर, मराठी में भी कहते हैं जठर, अंग्रेजी में कहते हैं एपिगैस्ट्रिकम, हिंदी में कहते हैं आमाशय, ये एक ही चीज के चार नाम। तो जठर नाम का जो स्थान है यहाँ पर सारा भोजन इकट्ठा होता है, जठर में अग्नि जलती है, उसको कहते हैं जठर अग्नि अर्थात जठराग्नि। ये अग्नि जलती है तो खाने का पाचन होता है, तो खाना जैसे ही खाते हैं अग्नि जलती है, अग्नि जलती है उसी समय आप गटगट गटगट पानी पी लेते हो तो अग्नि शांत हो जाती है, तो खाना पचता नहीं, तो खाना सड़ता है, और सड़ा हुआ खाना 103 रोग पैदा करता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। कब पीना? 1 घंटे 30 मिनट बाद पीना। और प्यास लगे तो मैंने बोला ताक पीना, या तो दूध पीना, नहीं तो जूस पीना, पानी नहीं पीना। ठीक है, ताक पीना हो तो दोपहर को भोजन में ही पीना, जूस पीना हो तो सुबह के भोजन में पीना, और दूध पीना हो तो रात के भोजन में पीना। डिनर के बाद दूध, लंच के बाद ताक, ब्रेकफास्ट के बाद जूस। दूसरा नियम है कि पानी कभी भी पीना हो तो घूट घूट भर के पीना, थोड़ा थोड़ा पानी पीना, सिप सिप करके पानी पीना, एक साथ गटगट गटगट पानी नहीं पीना। क्यों? पानी थोड़ा थोड़ा पिए तो मुंह की जो लार है जिसको लाला रस कहते हैं, स्लाइवा कहते हैं, ये पानी के साथ मिक्स होके अंदर जाता है। ये लार जो है वो क्षारीय होता है, एल्कलाइन, और पेट में अम्ल होता है वो एसिडिक होता है, तो अल्कलाइन माने क्षार और अम्ल दोनों मिले तो न्यूट्रल हो जाता है। तो पेट जिंदगी भर न्यूट्रल रहे इसके लिए पानी घूट घूट पिए ताकि ज्यादा लार पेट में जाए, और जिनका पेट न्यूट्रल है उनको जीवन में कभी रोग नहीं आता, इसलिए पानी घूट घूट भर के पीना, सिप सिप करके। तीसरा नियम है ठंडा पानी नहीं पीना। ठंडा पानी माने फ्रिज का पानी, बर्फ डाला हुआ पानी, गलती से नहीं पीना। क्यों नहीं पीना जानना चाहिए। ठंडा पानी जैसे ही आप पीते हैं पेट में जाएगा, पेट को ठंडा बनाएगा, और अगर पेट ठंडा हो गया तो शरीर भी ठंडा हो जाएगा, शरीर ठंडा हुआ तो मृत्यु हो जाएगी। इसलिए शरीर क्या करता है, जैसे ही आपने ठंडा पानी पिया शरीर इसको गर्म बनाता है पानी, और पानी को गर्म करने के लिए शरीर को ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा रक्त में से आती है, ब्लड में से आती है, तो शरीर का सारा रक्त पेट की तरफ दौड़ता है, शरीर के अंगों को रक्त की कमी पड़ जाती है। बार बार अगर ये घटना घटित हो तो कुछ अंग हमेशा के लिए बेकार हो सकते हैं, तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, इसलिए ठंडा पानी नहीं पीना। और ठंडे पानी का एक दूसरा दुष्परिणाम है, हमारे पेट में दो आंत होती है, इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ऐसी होती है उसमें बीच में गैप रहता, लेकिन ठंडा पानी पीते ही लार्ज इंटेस्टाइन संकुचित हो जाता है,
आपने एक बार ठंडा पानी पिया वो ऐसे से ऐसे हुई, फिर दो बार फिर ऐसे हुई, और बार बार पिएंगे तो परमानेंट ऐसे हो जाएगी। अब लार्ज इंटेस्टाइन अगर संकुचित हुई तो सवेरे संडास घर में जाएंगे तो आपका कभी भी पोट साफ नहीं होगा, कब्जियत हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन आएगा। मैंने अमेरिका में देखा है, यूरोप में देखा है, वहां के लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर, पानी में बर्फ डालते हैं और फ्रिज में रखते हैं फिर पीते हैं। इतना ठंडा पानी पीने वाले जो अमेरिकन लोग हैं ना, उनको एक ही तकलीफ है, सुबह सुबह जब वो संडास घर में जाते हैं दोन तास बाहर ही नहीं आते, अंदर ही बैठे। उनको मैं पूछता हूं तुम क्या करते हो संडास घर में दोन तास, वो कहते हैं हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, व्रत पत्र पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हो? तो कहते हैं पोट साफ नहीं होता, संडास नहीं उतरती, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता। तो मैं पूछता हूँ कभी और समस्या आ जाए तो क्या करते हो? तो उन्होंने कहा फिर मैगजीन पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, और ज्यादा समय लगता। फिर और ज्यादा समय लगे तो क्या करते हो? तो कहते हैं हम गाना गाते हैं, और गाना गाते हैं मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं है। फिर और ज्यादा त्रास होता है कभी कभी तो वो दूसरा गाना गाते हैं, एक बार आ जा आ जा आ जा, वो आती नहीं है करीब का। इसलिए कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना। तो आप पूछेंगे पानी कैसा पीना? कोमट पानी पीना, हल्का गर्म पानी पीना, नल का जो पानी आता है टैप वाटर, ये नॉर्मल टेम्परेचर का होता है, ये पीना। या मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं, वो ठंडा नहीं होता। फ्रिज का नहीं पीना, वाटर कूलर का नहीं पीना, बर्फ का नहीं पीना। तीन सूत्र हुए, चौथा और आखिरी सूत्र, ये सूत्र है कि सुबह सुबह जैसे ही आप सोकर उठो तो सबसे पहले पानी पीना, उठते ही पानी पीना, कम से कम एक गिलास, अधिक से अधिक तीन गिलास। उठते ही पानी पिएंगे तो क्या होता है, मुंह का लार अंदर जाता है, जो क्षारीय है, रात भर पेट में अम्ल बना है, तो ये क्षार और अम्ल मिले तो पेट न्यूट्रल हो गया, एक फायदा। दूसरा फायदा, सुबह उठते ही पानी पियो फिर संडास में जाओ तो पानी सीधे इंटेस्टाइन तक पहुंचता है और उसको पूरा साफ कर देता है, तो कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं आया। और जिनको कॉन्स्टिपेशन नहीं आता उनकी जिंदगी में कोई रोग नहीं आता। तो चार सूत्र मैंने बताए, उनको फिर दोहराता हूं। खाना खाने के डेढ़ घंटे बाद पानी पीना, खाने के तुरंत बाद पीना हो तो ताक पीना, या तो दूध पीना, नहीं तो जूस पीना। दूसरा नियम है पानी घूट घूट पीना। तीसरा नियम है ठंडा पानी नहीं पीना। चौथा नियम है सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना। एक पांचवा और बता देता हूं, वो भी जरूरी है। पांचवा नियम है कि खाना जब खाओ तो धीरे धीरे चबा चबा के खाना। मराठी में कहते हैं ना हड़ू हड़ू घ्या, सावकाश घ्या, ये बहुत साइंटिफिक है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चबा के खाएंगे ना तो ज्यादा लार खाने के साथ अंदर जाएगी, तो डाइजेशन परफेक्ट होगा। जिनका डाइजेशन परफेक्ट है उनकी लाइफ परफेक्ट है, ठीक है। तो ये सूत्र पालन करो, मैं करता हूं, 18 साल से मैं बीमार नहीं पड़ा, अगले 18 साल भी नहीं पड़ूंगा। आप भी करोगे तो आप भी सुरक्षित रहोगे, निरोगी रहोगे। और आजकल रोगी होना और डॉक्टर के पास जाना बड़ा खतरनाक है। मैं तो लोगों से कहता हूं रोग से नहीं डॉक्टर से बचो, रोग खतरनाक नहीं है, डॉक्टर खतरनाक। ऐसे खतरनाक डॉक्टर इस देश में है कि मरे हुए व्यक्ति पर ऑपरेशन कर दे पता ही ना चलेगा, इसलिए इनके चक्कर में मत फंसो। अपने स्वयं पाक घर की औषधियों का उपयोग करो, आयुर्वेद के सूत्र का पालन करो, चाय कॉफी मत पियो, व्यसन मत करो, जिंदगी में रोग आएगा नहीं, लाखों करोड़ों रुपए आपके बचेंगे, आप सुखी रहोगे, देश सुखी रहेगा। इस भावना से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, किसी को कोई दुख ना हो, तो देश भी सुखी, हम भी सुखी। तो अगर ये देश सुखी हो गया तो सुजलाम सुफलाम बनेगा, फिर सोनी की चिड़िया होगा। अगर आप सब ऐसा करेंगे तो ये भावना से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने बड़े ध्यान से शांति से मुझे सुना, और जितनी माहिती मैंने दी है वो दूसरों को जरूर देना, क्योंकि ज्ञान को जितना फैलाए उतना ही बढ़ता है और उसका मूल्य बढ़ता है। अब आपको ये लगे कभी कि ये जो माहिती भूल गए तो इसके लिए कुछ पुस्तकें मैंने बनाई हैं, वो यहाँ बाजू में स्टॉल पर हैं। स्वयं पाक घर की औषधियों से कौन कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है, स्वयं पाक घर के बाहर जो तुलसी
तुलसी और अदरक जैसी औषधि उससे क्या ठीक हो सकता है, ऐसी बीमारी की माहिती देने वाली 7-8 तरह की पुस्तकें हैं, आप ले सकते हैं। दुर्भाग्य से वो हिंदी में है, मराठी वाली में ला नहीं पाया क्योंकि मैं बीच में से आया इस कार्यक्रम के लिए। कभी आप चाहें तो मराठी वाली पुस्तक भी मंगा सकते हैं, मेरा पता बहुत सरल है, जहां आप चिट्ठी लिखेंगे वो पुस्तक भेज देंगे। राजीव दीक्षित, मुकाम पोस्ट सेवाग्राम, जिला वर्धा, राज्य महाराष्ट्र, इतने से पत्र पहुंच जाता है। आप मराठी चाहे तो मंगा सकते हैं, हिंदी पुस्तक यहाँ है, 7-8 तरह की है, आप ले सकते हैं, पढ़कर दूसरों को दे सकते हैं। और जो व्याख्यान मैंने दिया इसकी 40 घंटे की ऑडियो सीडी और वीडियो सीडी है, वो सीडी भी यहाँ पर है, आप सीडी ले सकते हैं, बार बार देखकर इसकी कॉपी करके दूसरों को दे सकते हैं, ताकि ये विचार और ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैले और लोग इसमें लग जाए तो ये देश फिर से आजादी अपनी सुरक्षित रखेगा और सुजलाम सुफलाम हो जाएगा। हम लोगों ने ये अभियान शुरू किया था तो फंड की बहुत समस्या थी, कोई भी काम करो तो फंड्स लगते, तो हमने एक रास्ता निकाला, हम लोग खादी बनाते, चरखा चलाते हैं, खादी बनाते, वो खादी की बिक्री से हमारे फंड से इकट्ठे करते, तो हमारे कार्यकर्ताओं का बनाया हुआ थोड़ा खादी का कापड़ भी है, अगर आप लेंगे तो इससे हमें थोड़ी आर्थिक मदद मिलेगी, आपको खादी का कापड़ मिलेगा, पुस्तक और सीडी लेंगे तो ये विचार को फैलाने में और ज्ञान को प्रसारित करने में आप सब एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। ऐसी भावना से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ये माहिती सबको दें, ऐसी भावना के साथ बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।